हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड ब्लैडर स्टोन के बारे डिस्कशन करेंगे। गोल्ड ब्लैडर क्या होता है, गोल्ड ब्लैडर स्टोन कैसे फॉर्म करता है, इनका कॉज क्या होता है, इनका लक्षण या सिम्टम क्या होता है, और कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इनके लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो लीजिए दोस्तों, मैं डॉक्टर नूरुल, मेरे कोलकाता होम्योपैथिक टिप्स के एडवांस होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। फ्रेंड्स, गोल्ड ब्लैडर जस्ट हमारे लीवर के दाहिना साइड में एक गुब्बारा नामा शक्ल के तरह हैंग करता है, मतलब झूलता है, और जस्ट गोल्ड ब्लैडर के नीचे पैंक्रियास होता है। फ्रेंड्स, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन कब फॉर्म करता है, जबकि हमारा खाना पीना इरेगुलर होता है, हम टाइम टेबल खाने में मेंटेनेंस नहीं करते हैं, जिनके वजह से भी गोल्ड ब्लैडर स्टोन फॉर्म कर सकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर हैं, बहुत ज़्यादा पीने का आदी है, बियर वगैरह अक्सर लेते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं, और बहुत ज़्यादा फैट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीट वगैरह हुआ। ऐसे भी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो ऑरल पिल वगैरह ज़्यादा लेते हैं, जिनको भी गोल्ड ब्लैडर स्टोन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन का इम्बेलेंस हो जाता है। ऐसे कंडीशन में स्टोन गोल्ड ब्लैडर में आ जाता है। और अगर किसी पर्सन में डायबिटीज हो, शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे, जिसके वजह से भी स्टोन गोल्ड ब्लैडर में फॉर्म कर सकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोगों में स्टोन देखा जाता है जो फैट होने का टेंडेंसी या ओबेसिटी, बहुत ही मोटापा हो गया है, जिनके अंदर भी स्टोन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनका लक्षण हम क्या देखते हैं दोस्तों, इनका लक्षण होता है दाहिना साइड अपर एब्डोमेन में भारीपन का एहसास होता है, लगता है कोई चीज़ मेरा लटक रहा है, चूँकि स्टोन है इसलिए ऐसा फीलिंग हो रहा है। दूसरा ये है कि हमारे दाहिना साइड स्केपुलर एंगल कहते हैं, ये पीछे ये हड्डी जो है दाहिना साइड में, जहाँ पर भी हमको पेन का एहसास होता है, पेन लगता है, और ये कंटिन्यू ये पेन नहीं रहता है, कभी कभी अचानक आता है। स्टोन ज़्यादातर ऐसे लोगों में पाया जाता है, खाना पीना जिनका टाइम टेबल नहीं होता है, इसलिए हमेशा हमको ख्याल रखना चाहिए कि खाना पीना टाइम मेंटेनेंस करें, 3 घंटा से ज़्यादा पेट को खाली नहीं रखें। खाने में अगर कभी देर हो जाए तो पानी ज़रूर पी लें, या 2 बिस्किट खा के पानी पी लें, इतना ज़रूर मेंटेनेंस कीजिए, आपको स्टोन कभी नहीं होगा और गैस का शिकायत भी कभी नहीं होगा। इसलिए कि जब आपका पेट खाली रहता है तो गैस्ट्रिक जूस या पैंक्रियाटिक जूस, जो हजम करने में हमें मदद करता है, ये इंतज़ार करता है कि खाने का टाइम अभी हो गया, पेट बिल्कुल खाली है, तब बाइल सिक्रेशन करता है गोल्ड ब्लैडर, और पैंक्रियास अपना पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करता है। अगर खाना जब नहीं मिलता है इनको, तो स्टोन के शक्ल में अपना फॉर्म करने लगता है, स्टोन बनाने लगता है, तब हम जिनको गोल्ड ब्लैडर स्टोन कहते हैं, या गोल्ड ब्लैडर में पथरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन अगर हमारा हो, हम रिमूव कर लें या मेडिसिन खा के ठीक हो जाए, अगर आपका फूडिंग टाइम टेबल ना हो, खाना पीना सही टाइम पे ना हो, तो फिर आपको ये स्टोन पीछा छोड़ने वाला नहीं है, फिर गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। वरना अगर हम गोल्ड ब्लैडर सर्जरी करके रिमूव कर दिए, मतलब गोल्ड ब्लैडर निकाल के फेंक दिया गया, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जगह पर कभी कभी पैंक्रियास में भी स्टोन फॉर्म कर सकता है। तो इसका बहुत सारे भास्ट कारण है, तो मैं शॉर्टली आप सबों से डिस्कशन कर रहा हूँ। इनके लिए
होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही कारगरदगी है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर होम्योपैथी मेडिसिन आप कुछ दिन तक, मतलब आपको लॉन्ग टाइम थोड़ा यूज करना होगा, अगर लॉन्ग टाइम यूज कीजिएगा, खाना पीना आपका सही टाइम टेबल से होगा तो स्टोन आपका ख़त्म भी हो सकता है, वरना आपको सर्जरी करना पड़ सकता है। तो हमको सबसे पहले ख्याल रखना है कि खाना पीना टाइम से करें, वरना ये स्टोन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये होम्योपैथी मेडिसिन या एलोपैथी सर्जरी में, सर्जरी करके रिमूव कर देने से आपको नहीं होगा, इसके बाद पेंक्रियास में भी आपको स्टोन होने का चांसेस रहता है, ये आप जान लीजिए। हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सा अच्छा मेडिसिन है जो गोल्ड ब्लड स्टोन के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है, बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। नंबर वन, बर्बरिस वल्गरिस क्यूब। ये मेडिसिन आपको 10-10 बूंद आधा कप गर्म पानी में दिन में 2 मरतबा करके लेना है 3 माह तक। साथ में आपको कार्डवेस मेरियनस क्यू 10 बूंद आधा कप गर्म पानी में दिन में 2 मरतबा करके 3 माह तक लेना है। और फिल्टोरी, ये आप टेबलेट के शक्ल में भी पा सकते हैं, अगर टेबलेट के शक्ल में आपको मिले तो 4-4 टेबलेट हल्का गर्म पानी में दिन में 3 मरतबा करके लें। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में पाए फिल्टोरी 3x, इनको आप 10-10 बूंद आधा कप पानी में या डायरेक्ट टांग में दिन में 3 मरतबा करके ले सकते हैं। चौथा मेडिसिन हुआ सेलिडोनियम मादर, ये लीवर टॉनिक भी कहते हैं इस मेडिसिन को। ये मेडिसिन आपको 10-10 बूंद आधे कप गर्म पानी में दिन में 3 मरतबा, सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात में खाने के बाद, दिन में 3 मरतबा करके 3 माह तक लीजिए। अगर इस तरह से आप मेडिसिन लीजिएगा और फिर बीच बीच में आप अल्ट्रासोनोग्राफी कीजिएगा तो ये स्टोन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दें, चूँकि उन लोगों को भी कुछ जानकारियाँ मिल जाए। और एक बात और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, कभी भी होम्योपैथी मेडिसिन आप बगैर डॉक्टर का कंसल्ट से नहीं लें, चूँकि आपका स्टोन किस फॉर्म में है, कितना उसका साइज है, इसी हिसाब से हम लोग पोटेंसी और मेडिसिन का डोज देते हैं। इसलिए कभी भी आप मेडिसिन लें तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लें, और हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी होता है, हमारे व्हाट्सएप से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके बाद फिर ऐसा ही एक जानकारी वीडियो से आप सबों से रूबरू होंगे, आप सबों से ज़रूर मिलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, फिर ऐसा ही वीडियो में आप सबों से ज़रूर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।